तो हे वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत करता हूँ स्वागत आपको अपने चैनल पर आने के लिए। दोस्तों बता दूं कि स्कूल व कॉलेजों में 559,000 सीटें लगाई खाली। अगर दोस्तों आपको याद होगी तो मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में बताया था कि बहुत ही जल्द मतलब कि आज से कि 9 तारीख हो गई और आज ही से आपको स्पोर्ट एडमिशन इंटर में शुरू हो जाएगी। अब मैंने ये भी बताया था उसमें कि स्पोर्ट एडमिशन होता क्या है, तो अगर नहीं आप सुने हैं नहीं देखे हैं वीडियो तो उसकी लिंक मैं आपको दे दिया हूँ। फिलहाल बता देता हूँ, स्पोर्ट एडमिशन जिसका लिस्ट में नाम नहीं आता है और उनको एक आखिरी मौका दिया जाता है स्पोर्ट एडमिशन करवाने के लिए, तो दोस्तों वही आपको उसके लिए एक दिया हुआ है आपको नॉलेज। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि अभी तक स्कूल व कॉलेजों में आपको 559,000 सीटें लगाई है खाली, और जबकि OFSS के वेबसाइट पर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड लिस्ट तीन लिस्ट आपको निकल चुकी है और बहुत सारे बच्चों का एडमिशन भी दोस्तों हो चुका है, और ऐसे में 559,000 सीट लगाई है खाली। अब इस खाली सीटों कैसे भरा जाएगा बता देता हूँ मैं आपको। दोस्तों इसके लिए स्पोर्ट एडमिशन की प्रक्रिया मतलब कि शुरू की गई है, तो आइए हम जानता हूँ कितना सीट कहाँ कहाँ रह गया है खाली। तो अगर आप वैकेंट सीट के बारे में आप जहाँ चाहते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि अररिया जिला में 11,257 सीट खाली है, अरवल जिला में 5,845 सीट खाली है, औरंगाबाद में 12,234 सीट खाली है। इसी तरह करते करते अगर मैं बात करूँ पटना जिले का, तो पटना जिले में भी देखिए इतना सारे सीट खाली है, पटना जिला होते हुए भी यहाँ पर 8,495 यहाँ पर सीट खाली टोटल है। अब इतना सीट खाली होने के कारण अभी तक 38 जिलों में बहुत सारे जिलों में सीट खाली है, इसमें आपको जो है सो बहुत ही जल्द दाखिले होगी स्पोर्ट एडमिशन से। तो फिलहाल मैं आइए बात करता हूँ दोस्तों, इंटर के तीनों संकाय में 15,64,292 सीटें होती है, इसमें से आपको 559,000 सीट खाली रह गई, बाकी सब फुल हो चुकी है। और इंटर में दाखिले के लिए बोर्ड ने 3 बार लिस्ट निकाल दी है ऑलरेडी, जैसे मैंने आप पीडी को पहले ही में कहा था, और इस बार मैट्रिक में 13,20,036 छात्रों ने पास किया था, इनमें से 6,83,990 छात्र 6,36,046 छात्राएं थी टोटल, और इसका फिर रिकॉर्ड दोस्तों होने वाली है। चलिए अब बात मैं करता हूँ कि स्पोर्ट एडमिशन आपको कैसे लेनी है। तो सबसे पहले आपको जानी पड़ेगी गूगल क्रोम में, और गूगल क्रोम में जाकर आपको स्पोर्ट एडमिशन के लिए आपको OFSS यहाँ पर क्लिक करनी पड़ेगी गूगल क्रोम में। से मैं अभी देखो बिहार स्कूल के एग्जामिनेशन बोर्ड पर किस साइट पर यहाँ पर आया हुआ हूँ, तो आप उसी तरह कर लेना। मैं फिलहाल दिखाता हूँ क्या करना है दोस्तों। तो जैसे मान लीजिए कि आपने गूगल क्रोम में गूगल को सर्च किया और यहाँ पर आपने लिखा OFSS, जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ, जैसे आप OFSS लिखते हैं आपके सामने बहुत सारे वेबसाइट यहाँ निकल के आ जाएंगे, उसमें से आपको ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसे ही चुनना है। जैसे मान लें मैंने OFSS.bihar.in/higher-education मैंने चुन लिया, और जैसे ही आप नीचे जाओगे तो नीचे देखो एक ऑप्शन खुला आ रहा है लिस्ट फॉर वैकेंट सीट, ठीक है, लिखा नीचे ऑप्शन खुला हुआ है लिस्ट फॉर वैकेंट सीट के बारे में नॉलेज पाने के लिए, और यहाँ OFSS स्पोर्ट नोटिस भी जारी कर दिया गया है आपको स्पोर्ट एडमिशन के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ ये यह पेपर उन्होंने जारी किया है पेपर कटिंग में, और उन्होंने इसमें बहुत सारी बातें लिखी है क्या क्या प्रोसेस है और क्या क्या नहीं करनी है। तो फिलहाल मैं चलता हूँ आपको एक एक प्रक्रिया बताता हूँ कैसे आपको OFSS पर आपको सबसे पहले अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले OFSS पे अप्लाई करने के लिए आपको कुछ कुछ नियम भी आपको लागू करना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि आपका जो लिस्ट में आपको फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों लिस्ट में आपका नाम नहीं आना चाहिए, जितने भी लिस्ट उन्होंने जारी किया है उस तीन के तीन लिस्ट में आपका नाम नहीं होना चाहिए, तभी आप OFSS के पोर्टल से जाकर स्पोर्ट एडमिशन के लिए नामांकन कर सकते हैं। उसके बाद स्पोर्ट एडमिशन करने के लिए आपको एक PDF फाइल यहाँ मतलब माफ करना, एक PDF फाइल के रूप में एक फॉर्म दी जाएगी जो कि ऑफलाइन होगी, और उसे भरना, उसे आपको प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा और उसे भरकर अपने कॉलेज जहाँ भी करवाना है एडमिशन, पहले आपको सीट जांच करनी पड़ेगी। तो सीट जांच करके मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ फिलहाल। तो फिलहाल आपको सीट जांच करने के बाद आप जहाँ भी चाहते हैं करना उस कॉलेज में जाकर आप वहाँ से कर सकते हैं, ताकि OFSS वाला फॉर्म जमा करके वहाँ से आप एडमिशन आराम से ले सकते हैं, और जितना फ़ी होती है जो जो चीज़ मांगी जाती है जो भी डॉक्यूमेंट्स वो आपको लेके जानी पड़ेगी। फिलहाल चलिए मैं बात करता हूँ OFSS पोर्टल पर आगे के लिए। तो सबसे पहले OFSS पोर्टल पर मैंने आपको मतलब कि अपलोड कर दी गई है फॉर्म, वो डाउनलोड कर लेना है आपको। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद उसे आप निकलवा कर प्रिंट आउट निकलवाना है, और मात्र 2 दिन का जमा समय दिया गया है, 8 से लेकर 10 तक, ठीक है, 8 से लेकर 10 तक आपको समय दिया गया है दोस्तों, क्योंकि आज जुलाई 8 हो गए, मैंने वीडियो के शुरू में 9 कह दिया था, माफ़ करना मुझे, 8 दोस्तों आज हो गया 8 जुलाई, और 8 जुलाई को आपको और से लेकर 10 जुलाई तक आपको इस फॉर्म फिलअप करनी है, ठीक है। फॉर्म फिलअप जब हो जाएगी तो उसके बाद मतलब कि उसी के बीच में आपको एडमिशन भी लेनी है, और मैक्सिमम आपको 11 तक समय दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं 11 के संबंधित संस्थान पास की जाएगी, और 11 को आपके लिस्ट में नाम आ सकती है, तो आपको एडमिशन दोस्तों हो जाएगी, ठीक है।
और आय की प्रक्रिया करने के लिए आपको फॉर्म भरनी पड़ेगी। और फॉर्म भरने के लिए अभी तो कोई यहाँ पर अपडेट नहीं चाहिए गई, जैसे अपडेट कोई आती है फॉर्म भरने की तो मैं आपको दोस्तों दे दूंगा। चलिए बात करता हूँ कि कौन से जिले में कितनी सीट खाली है, मैं कैसे पता करूँ। तो उसके लिए यहाँ देखो दिया हुआ है लिस्ट फॉर वैकेंट सीट इन इंटरमीडिएट स्कूल कॉलेज फॉर स्पोर्ट एडमिशन। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करो तो आपको ये जो है सर आपको ले जाएगी एक वेबसाइट पर, और वहाँ पर कहेगी आपको भूखे वैकेंट सीट जाँच करने के लिए। देखिए मैं आपको यहाँ पर चेक करके बता देता हूँ, यहाँ देखिए लिस्ट आ चुकी है और यहाँ चू कह रहा है डिस्ट्रिक्ट चुनने के लिए। सबसे पहले आपका डिस्ट्रिक्ट चुनते हैं, चलिए तो मैं जानता हूँ मैं पटना जिला का हूँ तो मैं पटना इसको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चुन लेता हूँ। जैसे आप यहाँ पटना चुनेंगे तो फिर उसके पास पटना में बहुत सारे कॉलेज होंगे, तो पूछिएगा किस कॉलेज में आप चाहते हैं एडमिशन लेना, चाहे किस स्कूल में। तो यहाँ सब कुछ बता दिया। यहाँ देखिए कह रहा है कि अभी जो है आपको प्लस टू करने के लिए आपको नवदन मसौरी वाले स्कूल में आर्ट्स के लिए स्ट्रीम के 48 सीट खाली है, ठीक है। बहुत सारे स्कूल में साइंस स्ट्रीम में 24 सीट खाली है। तो हर स्कूल का यहाँ पर अलग अलग प्रोजेक्ट दिखाया गया था। आपको जिस स्कूल में मान लीजिए आपको एम कॉलेज में एडमिशन लेना है, एम कॉलेज में देख लीजिए दोस्तों कि एम कॉलेज में आपको जो है आर्ट्स के लिए 336 सीट खाली है, और एम कॉलेज पटना में साइंस स्ट्रीम के लिए 34 सीट खाली है, कॉमर्स के लिए सीट भर चुकी है। ये दो स्ट्रीम भी खाली रखे, आप वहाँ से वैकेंट सीट से एडमिशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रत्येक कॉलेज है, आप देखिए बी डी इवनिंग कॉलेज बोलते हैं तो बी डी इवनिंग कॉलेज में आर्ट्स के लिए 96 सीट खाली है, बी डी कॉलेज पटना में कॉमर्स के लिए 48 सीट खाली है, और साइंस के लिए 52 सीट खाली है। तो आप यहाँ से देखकर अच्छे अच्छे कॉलेज का नाम लिस्ट देख कर आप वहाँ जाकर एडमिशन दोस्तों जाकर आपको स्पोर्ट एडमिशन वाली फॉर्म जमा करनी पड़ेगी, उसका फिर से लिस्ट आएगी और उस लिस्ट में अगर आपके नाम आते हैं तो आप जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं। और दोस्तों आज किसी वक्त आपको स्पोर्ट एडमिशन के लिए यहाँ पर एक फॉर्म जारी कर दी जाएगी, जैसे ही कुछ अपडेट आती है मैं आपको अपडेट दोस्तों दे दूंगा। आई जानकारी पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सअप हमारे फेसबुक हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं, सब लिंक दी हुई है। और ऐसे ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर अपडेट मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।